खालसा अफेयर टीवी देख रहे समूह दर्शकों का स्वागत है जी। मैं दलजीत अजनूहा। दोस्तों, पंजाब दे विच पिछले कई दिनों तो लंपी स्किन की बीमारी जिहड़ी पशुओं नूं खासकर गऊआं नूं बहुत प्रभावित कर रही है, जिस नूं लैके पशु पालकां दे विच बहुत चिंता पाई जाती है। दूसरे पासे वैटनरी विभाग वालों भी इस बीमारी की रोकथाम लई वख-वख ते प्रभावशाली जिहड़े प्रयत्न किए जा रहे हैं, जिहदे संबंध दे विच असी डिप्टी डायरैक्टर हरजीत सिंह होरी दे नाल गलबात कीती ते उन्हां दे जाणिया भी ये बीमारी की है, ये किस तरह लगती है ते इस बीमारी तो किस तरह पशु पालक अपने पशुओं नूं बचा सकते हैं, की कहा उन्होंने, आओ देखते हैं खालसा अफेयर टीवी ते। दोस्तों, अज असी डिप्टी कमिश्नर हुशियारपुर संदीप हंस, ADC अमित महाजन हुशियारपुर ते डिप्टी डायरैक्टर पशु पालन विभाग हरजीत सिंह होरां दे नाल लंपी डिजीज़ जिहड़ी लंपी बीमारी जिहड़ी पशुओं नूं काफ़ी दिनों तो लंबे समय तो प्रभावित कर रही है, उहदे संबंधी गलबात कीती ते सिविल प्रशासन वल्लों उहनूं बचाउण लई पशु पालकां नूं जागरूक करन लई किस तरह अपने पशुओं नूं बचाया जा सकदा है गलबात कीती, ते नाल दी नाल डिप्टी डायरैक्टर पशु पालन हरजीत सिंह उहनां दे नाल ते की प्रकोशन है, किस तरह दे वैक्सीन जां होर दवाईआं जिहड़ियां दित्तियां जांदियां ने, की कहा उन्होंने, आओ देखते हैं खालसा अफेयर टीवी ते। दोस्तों, पंजाब दे विच जिहड़ा लंपी स्किन की पशुओं की बीमारी जिहड़ी है काफ़ी प्रभाव पैगी है ते लोगों के एक डर भय बनया है ते बहुत सारे जिले के आप हुशियारपुर की गल करिए पंजाब के नाल नाल मालवे जिहड़े उधर भी काफ़ी प्रॉब्लम हैगी है, पर जिहड़ा वैटनरी डिपार्टमेंट हैगा वो काफ़ी अलर्ट है, काफ़ी सतर्क है लोगों तक पहुँच करने लई, लोगों को समझाने लई ते लोगों को प्रकोशन दसण लई, ते सब तो वड्डी गल वो लोगों को जागरूक कर रहे भी इस बीमारी का जिहड़ा कंट्रोल आ और सरकार वल्लों सारियां सहूलतां दित्तियां गईआं, कोई भी किसी तरह की इहदे विच इहो जिही घटना नहीं हो सकती जिहदे नाल डाक्टर दा डिपार्टमेंट दे हत्थों कोई बाहर होवे, हर एक मैडिसन इहनां कोल आए सरकार वल्लों भी उपराला करके इहनां नूं मैडिसन पहुँचा दित्ती। अज असी इसी गल नूं लैके लंपी स्किन की बीमारी नूं लैके लोगों के बीच की है ये बीमारी की है ते किस तरह के प्रकोशन दिए जाते डिपार्टमेंट नूं उन्हां डिप्टी डाक्टर सरदार हरजीत सिंह जी दे नाल गल करांगे भी वो इस बीमारी नूं लैके किस तरह जिले के बीच कर रहे हैं। डिप्टी डाक्टर हरजीत सिंह जी, तुहाडा स्वागत है जी फास्ट वे खबरनामा जलंधर ते। जी सर जी आया अजनोहा साहब, तुसी साडे पशु पालकां दे नाल रूबरू कराया जो कि ये बीमारी हैगी है पशुआं गावां विच ज़्यादातर ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ? ਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਹੈ ਕੈਪਰੀ ਵਾਇਰਸ ਜੀ, ਕੈਪਰੀ ਵਾਇਰਸ ਪੌਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਲੱਛਣ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਈ ਗਈ ਆ ਜੀ। सर असी गल करिए जिवें तुसी दस्या है भी ये प्रकोशन दे नाल नाल कोई डैथ जिहड़ी आ पशु की बड़ी रेयर है उहदे वास्ते तुसी अज डिस्ट्रिक्ट दे विच कित्थे कित्थे पिंड जा रहे हो, किवें तरह लोगों नूं जागरूक करना भी ये बीमारी तो मतलब जागरूक होना चाहिए किस तरह? सर इहदे वास्ते साडे जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट है इत्थे चार तहसीलां हैं उहनां विच साडे सीनियर वैटनरी ऑफिसर है उहनां दे नाल सारा स्टाफ हैगा आ, वैटनरी ऑफिसर आ, फिर वैटनरी इंस्पैक्टर आ, ये दर्जा चार हैगे आ, उहनां दे नाल क्लब करके टीमां बनिया गई हैं, ये सारे अपने फील्ड दे विच इन्हें मोनीटरिंग करते हैं, उन्हां लोकां नूं इन्हां बारे जागरूक करते हैगे आ, अपने जानवरां नूं मूवमेंट तो रोको, बाहरले पासे ना खड़ो, बाहरला पशु अपने पिंड ना आउंदा। सर जिवें असी गल करिए इधर मालपुर हल्के के पिंडां दे विच, गढ़शंकर हल्के के उपर दे बीत दे पिंडां दे विच बहुत सारिया गौआं जिहड़ियां बीमार आ, वैटनरी हॉस्पिटलों के लोग इंजैक्शन लैण आउंदे, दवाई लैण आउंदे और प्रॉपर उन्हां नूं मिलदी आ। हाँ जी जी सर, मिल रही है ते पर जिहड़ा बहुत सारे लोगों नूं इस तरह का भरम भुलेखा पाया भी तुसीं पशु नूं बाहर कढ दिओ, पशु नूं बाहर रख दिओ और कई लोगों के घर छोटा बेड़ा है उहदे विच गां मज कट्ठे आ, उन्हां लई आपां किवें समझाउने हो भी की इस तरह? सर इहदे विच कोई एडा डरन दा लोड़ नहीं हैगी, जे रब करे जे किसी दे घर ये डिजीज़ आ गई ते उहदे विच ये हैगा कि जे एक अद्धे जानवर दे विच सिम्पटम दिंदे आ चमड़ी ते जो अपने गठ्ठा बनदियां आ जी, उह जानवर नूं आपां सैपरेट घर दे विचों मतलब बाहर नहीं हैगा साइड ते कर लईए, जिहड़े जानवर दूजे आ उहनां नूं इक वक्ख करके उहनां दा साफ सुथरा मतलब शड्डां दी पशुआं दी सफाई सैनिटेशन वगैरह ते हो जांदा, इह क्लीननैस करो
तो वो ये बीमारी तो आप निजामत पा सकते हैं। सर एक आप बहुत सारे लोग साढ़े जोड़े आ इस चीज़ों विसले हो गए आ शुरू के पिंड आम डंगर होंगे से कट्ठे बने धूनिया ला देनिया रात में धूनी पाल देनी जा अपना जोड़ा लोग तरीका अपना भी हट गए कुछ ये भी कारण रहे हो नहीं सर नहीं जस्ट एक जो हैगा एदा वैक्टर हैगा फैलाउण दा मक्खी मच्छर चिचड़ जी जो कि यह रेनी सीजन दे विच कुदरती हुंदे ही आ जी। सर इहदे विच जिहड़ियां असीं धूनी वगैरह इहनू असीं अंग्रेजी दे विच जिहड़ी सैनीटेशन जां आपां फूमीगेशन कोई उन्हूं रूप दे विच बदल लईए ते इह उही ही सेम हाँ जी इहनू असीं सेंसिटिवली बरतन लग पे फॉगिंग कराने लग पे जी बिल्कुल हाँ तो इस करके ये जो पुराना हैगा आ ये तो बहुत जानवरों की रखरवा साडे पुराने बजुर्ग रखते आए आ ते अगे तो अगे थोड़ी जी साइंस की टकनीक आने के कारण ना बदल हो सकता ये नाल वो नाल रलदे मिलदे ये कमां नूं अगे प्रोपो मतलब आप वरत रहे अडोप्ट कर लाने अडोप्ट कर दें सर आप हूँ गल करिए जी लंपी स्किन बीमारी है यू एज ए डिप्टी डायरेक्टर तुम इतने हो तो लोगों के आप कहना चाहते सर ये सानू पशु पालकों घबरा की लड़ नहीं किसी के मतलब वो आने की लड़ नहीं हैगी आ हो जाना नुकसान है ना ये मौत की जी दर आ बहुत घट हैगी वो पाँच सत चार पाँच दिन बाद जानवर दवाई लगाते हैं तो वह रिकवरी होनी शुरू हो गई है जे किस जानवर चाहिए सर असं जिदा हम गल करते हैं पिंडा पिंड की गल की पिंड बड़िया अफवाह है ना पिंड जी लोग जड़िया पशु कट्ठे बन्ने उत्थे गऊ बीमार हो गई गऊ में दवाई नहीं मिलती अज असी जाके आए हैं थोड़े हॉस्पिटल दो चार हस्पताल जिथे लोग दवाई ले जाते इंजैक्शन लाते जिम्मे दसिया भी जे इंजैक्शन की लड़ आता इंजैक्शन देता जे दवाई की लड़ तुम आप जो स्टाफ है उत्थे जाके उसकी केयर करता और प्रॉपर लोगों को जागरूक करता तो पिंड के लोग जोड़े उन्होंने जोड़ा आ वो किस तरह का संदेश है सर साडा संदेश यही है साडा जो फील्ड स्टाफ हैगा ना वो पब्लिक यही अवेयर करते पे आ जागरूक करते पे आ कि ये तुम अपने पशुओं की शड्डा दी जिथे जानवर बजते आ साफ सफाई रखो ये मौत दर बहुत घट है और जानवर ठीक भी हो रहे हैं सर बहुत बहुत धन्यवाद डिप्टी डायरेक्टर हरजीत सिंह जी जे कोई गल असी तुहाडे डिपार्टमेंट के मुतलक इस बीमारी को लैके पुछन रह गए तो तुम वह भी साढ़े दर्शकों जरूर दस दो नहीं सर बहु हाँ सर एक लोगों ये बहुत भैम सगा कि जोड़े बीमा असी दुध यदा पीना जी ज नहीं पीना नहीं सर कच्चा दुध कोई भी जानवर नॉर्मल भी होवे उहदे कच्चे दुध दे विच जो कुदरती हैगे जीवाणु वगैरह जो भी हुंदा वो ऑलरेडी प्रेजेंट हुंदा लेकिन जद उहनूं बॉयल कर लैंदे आ वो नहीं फड़दा वो बरतन योग है सर जी ऐ बीमारी दे नाल दुध दे विच कुछ नहीं रह जांदा जद ये बॉयल हो जांदा आ पींदे योग आ ये सानूं सहम डर तों बाहर निकलना चाहीदा है बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों असी जिहड़ी लंपी जिहड़ी स्किन बीमारी सी उहनूं लैके डिप्टी डायरैक्टर पशु पालन विभाग सरदार हरजीत सिंह उन्हां दे नाल गल कीती क्योंकि पंजाब दे नाल नाल हुशियारपुर दे जिला हुशियारपुर भी काफ़ी लोगों की पर उन्होंने इन्हां चीज़ां नूं बखूबी दस्सिया कि लोगों नूं डरना नहीं चाहीदा इहदे विच पशु की मौत दर बहुत घट आ ते सब तो वड्डी गल जिहड़ा लोगों दे विच इक भय सीगा कि इह जिहड़े बीमार आ इन्हां दा दुध नहीं पीणा उन्होंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा उस दुध दे विच कोई इदां दी प्रॉब्लम नहीं जदों बॉयल किया जाता वह बिल्कुल बरतन योग हो जाता बहुत बहुत धन्यवाद हरजीत सिंह जी तुहाडा हुशियारपुर तो दलजीत अजनोहा थैंक्स अजनोहा दोस्तों पिछले कुछ दिनों तो पंजाब दे विच लंपी स्किन की जिहड़ी बीमारी है काफ़ी तेजी नाल पैर पसार रही है तो दूसरे पासे उहदी रोकथाम लई जिथे वैटनरी डिपार्टमेंट वालों सरकार वालों वख-वख उपराले किए जाते दवाइया वैक्सीन प्रोवाइड की जाए उत्थे जिला हुशियारपुर के जिला प्रशासन वालों किहड़े प्रबंध किए लोगों को किस तरह जागरूक किया जा रहा इस बीमारी तो बचने लिए पशु पालक किस तरह अपने पशुओं को बचा सकते हैं सो इस संबंध के आप गल करांगे डिप्टी कमिश्नर श्री संदीप हंस जी के नाल ते जिला प्रशासन वालों उन्हां लोगों पशु पालकों अपने पशु बचाने लिए किहड़े किहड़े प्रबंध किए गए हैं सर तुहाडा स्वागत है जी बीबी अपने फास्ट वे खबरनामा जलंधर ते जी धन्यवाद जी सर जिहड़ा लंपी स्किन नूं लैके जिला प्रशासन वालों लोगों को जागरूक करने पशु पालकों को किहड़े किहड़े प्रबंध किए देखो लंपी स्किन डिजीज़ एक अलर्जिक डिजीज़ हैगी है जिहड़ी कि इन्हां दे पशुआं दे विच हुण काफ़ी देखिया फैल रही हैगी इहदा जिहड़ा वायरस हैगा ये मक्खियां राहीं जिहड़ा है ट्रैवल करता हैगा सो
जेकर हजे कोई भी पशु जड़ा हैगा ये नाल हजे अफेक्ट नहीं होया हैगा तो इहदी वैक्सीनेशन हैगी। वैक्सीनेशन साढ़े कोल सफिशेंट क्वांटिटी विच हैगी है हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट दे विच ते वो लग भी रही हैगी और जिहड़े पशु मालक ने वो लवा रहे ने अपने अपने पशुआं दे। पर जदों एक बारी ए कोई भी पशु ये नाल संक्रमित हो जाता हैगा फिर वैक्सीनेशन नहीं लगती हैगी फिर क्योंकि ये एक अलर्जिक डिजीज़ हैगी है तो ये एंटी हिस्टामीनस होंगे है जेड़े कि इतने अपने ज़िले में अवेलेबल ने वो दवाई अवेलेबल है सो उदे नाल अगर दवाई समय सर दिती जाती है तो ये ठीक हो जाता है। ये जड़ा खास तौर पर ख्याल रखना हैगा वो ये है कि एक बार जेकर कोई जानवर एक बड़े ग्रुप ऑफ एनिमल्स विचों जो कोई संक्रमित हो जाता हैगा तो उन्होंने आइसोलेट कर देना हैगा उन्होंने वखरा कर देना हैगा और उदा खाना पीना जड़ा हैगा बिल्कुल वखरा होएगा दूसरे जानवरों तो हेल्दी जानवर तो उन्होंने परे रखना हैगा। सो ये बारे असी 144 ऑर्डर भी कढ़े हैगे है सारियां नूं कि जेकर इनू कोई किस कोई इहो जिहा पशु जड़ा संक्रमित हो जाता हैगा तो उन्हूं बिल्कुल अलग रखना हैगा उन्हूं बाकी जानवरों के नाल नहीं उन्हूं मिलन देना और उदा खाना और चारा भी जड़ा है वखरे तौर पर करना है और जिथे किते जो बहुत ज़्यादा जानवर अफेक्ट हो जाता तो डैथ्स भी हुई हैं। सो उन्हां दा भी एक प्रोटोकॉल हैगा जिहड़ा साडा एक एग्जैक्टिव इंस्ट्रक्शन के तौर पर असी जिहड़ा है सारिआं नूं भेजिआ हैगा कि उन्हां नूं एनिमल्स नूं दबाना हैगा। आपां खबरां विच बहुत सारे ज़िलों देखिआ हैगा कि इहो जिहे इस डिजीज़ नाल जिहड़े जानवर कोई संक्रमित होए हैगे उन्हां नूं लोकी इस डिजीज़ नाल जिहड़े जानवर कोई संक्रमित होए हैगे उन्हां नूं लोकी बहुत ही गैर जिम्मेवाराना तरीके नाल उन्हां दीआं जिहड़ीआं लाशां हैगीआं ਉਹ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬਾਏ ਕਿੰਨੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਦਫਨਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੈਗੀਆਂ ਭਾਵਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਦੀਪ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਸਕੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਵੇ ਖਬਰਨਾਮਾ ਲਈ ਦਲਜੀਤ ਅਜਨੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ? ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਫਾਸਟ ਵੇ ਖਬਰਨਾਮਾ ਜਲੰਧਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰ ਅਸਰ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 41 ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਫੋਲੋਅਪ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲਾ। ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ADC ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਪੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੈਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਫਸਟ ਵੇਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਦਲਜੀਤ ਅਜਨੋ।